चलो बच्चा आगे हम स्टार्ट करते हैं इलास्टेशन नंबर 8। इलास्टेशन 8 में जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह है, फ्रॉम द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2015, फ्रॉम द अदर इन्फॉर्मेशन अंधजन मंडल प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2015 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। तो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड अदर इन्फॉर्मेशन मतलब एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ये पॉइंट आपको पहले क्लियर होना चाहिए। अब बच्चा यहाँ ध्यान से समझना है हमें क्या बनाना है। तो हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट हमें बनानी है। तो दो चीज़ हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला पॉइंट, ये सेम क्वेश्चन भी पीछे ऐसे टाइप का है 1/1/2014, मतलब हमें इसको ओपनिंग बैलेंस कंसिडर करना है। अब बच्चा सबसे पहले इसके पहले वाले सब में हमने क्या किया था, सेकेंड एंड थर्ड एडजस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अब यही पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, यहाँ सब्सक्रिप्शन का पॉइंट हो सकता है। तो सब्सक्रिप्शन का पॉइंट देखो, जैसे यहाँ बिल्डिंग है, फर्नीचर है, बुक्स है, इन्वेस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1000 है एंड परमानेंट फंड है। बाकी सबको हम कुछ नहीं करेंगे, खाली हमने उतना कंसिडर किया कि सब्सक्रिप्शन कितना हो सकता है। तो सब्सक्रिप्शन बच्चा हमारा दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग 1000। अब हम दो एडजस्टमेंट थर्ड सेकेंड एंड थर्ड करेंगे और उसके बाद बच्चा हम एक एक पॉइंट लेते जाते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव इंक्लूड 500 फॉर द 15/16 मतलब आप बोलोगे सर यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए हमारा करंट ईयर कौन सा है। करंट ईयर हमारा है 14/15, समझ में आ रहा है, यहाँ 14/15/15 में हमारा ईयर कम्प्लीट हो रहा है। और लास्ट ईयर जो है वो हमारा होगा 13/14, और अभी जो हम आगे का बोलेंगे करंट ईयर के बाद जो आएगा वो 15/16 होगा। तो 15/16 तो ये प्रीपेड है, क्या है बच्चा, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 700 फॉर 14/15, तो ये आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर है। अब प्रीपेड जो होगा करंट ईयर का वो माइनस होता है, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर प्लस होता है। इतना समझ में आया, क्लियर है। अब एक एक पॉइंट लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ हम सब्सक्रिप्शन देखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव 7000। तो सबसे पहले हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 7000 लिखा। तो बच्चा सबसे पहले जो प्रीपेड है वो 500 माइनस होगा, तो यहाँ पे देखो लेस लिखा हुआ है 500। दूसरा जो है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर का होगा वो प्लस होगा, पहले ये पॉइंट क्लियर। अब यहाँ उसकी दूसरी इफेक्ट जो बैलेंस शीट में क्या आएगी वो भी देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस वो हमारी लायबिलिटी हुई और आउटस्टैंडिंग हमारी क्या होगा, असेट होगा। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 700 और ये लिखा हमने 700। तो इसके साथ ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब मेन जो पॉइंट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का होता है ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर प्लस होता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर होगा तो माइनस होगा, और ये 1000 जो है वो हमें माइनस करना पड़ेगा। इसकी एक ही इफेक्ट आएगी जो मेन पॉइंट है, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस की एक ही इफेक्ट आती है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर। अब आगे चलते हैं एक एक पॉइंट। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट 500, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव जो दिया हुआ है 1500 दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट रिसीव यहाँ पे लिखा होगा, इंटरेस्ट रिसीव 1500, आउटस्टैंडिंग जो है वो 500 एंड टोटल हो जाएगा 2000। 500 जो मिलना इंटरेस्ट बाकी है, आउटस्टैंडिंग है बच्चा, वो क्या होगा, तो आउटस्टैंडिंग जो होगा वो यहाँ पे हम दिखा देंगे असेट साइड पे, यहाँ पे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 500, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है स्टेशनरी 31/3/2015 स्टेशनरी स्टॉक 100, तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, जो आपको ध्यान में रखना है कंजम्पशन वाला पॉइंट। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक कौन सा, स्टेशनरी का, प्लस परचेज या एक्सपेंस वर्ड लिखा होगा, तो एक्सपेंस ऑफ स्टेशनरी माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो बच्चा यहाँ ध्यान रखना ओपनिंग दिया है कि नहीं दिया है, यहाँ देख लेते हैं जी। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में वो नहीं दिया तो ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, सीधा क्लोजिंग स्टॉक ही आएगा। सबसे पहले यहाँ स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग ये लिखना है, तो स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग यहाँ पे दिया हुआ है 700, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा स्टेशनरी, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 700, स्टेशनरी स्टॉक 100 माइनस आउटर कॉलम 600, और जो 100 है वो एसेट साइड पे स्टॉक आ जाएगा, स्टेशनरी स्टॉक 100, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन
इज टू बी मेड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग. पहले बिल्डिंग से स्टार्ट करते हैं. प्रेजेंटेशन समझना, सबसे पहले बिल्डिंग है यहाँ पे 30,000, तो ओपनिंग बैलेंस में 30,000 लिखा. यहाँ पे देख लेना है पेमेंट साइड पे परचेज हुआ है या रिसिप्ट साइड पे सेल हुआ है, लेकिन बिल्डिंग का कुछ भी नहीं है, बिल्डिंग का कोई एडजस्टमेंट नहीं है. तो हमने सिंपल यहाँ 10% करके आउटर कॉलम 27,000, 3,000 जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखा और बिल्डिंग में लिखा 3,000. क्लियर, चलो आगे चलते हैं. तो अब है फर्नीचर की बारी. तो फर्नीचर में ओपनिंग है 4,000, तो सबसे पहले फर्नीचर 4,000 लिखा. और यहाँ ध्यान से समझना, सेल ऑफ फर्नीचर है कितना 800. चीज़ जो बुक वैल्यू थी वो 800 थी और हमने बेची कॉस्ट प्राइस थी 1,000, बेची हमने 800 में, तो 200 का लॉस हुआ. तो लॉस जो हुआ वो हम यहाँ पे पहले लिख देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 200, और यहाँ से हम माइनस करेंगे 1,000 जो कॉस्ट प्राइस, जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी वो माइनस करेंगे 3,000 आएगा, उसका 10% करेंगे 300, आउटर कॉलम में 2,700. ये माइनस करना बहुत ज़रूरी है, 1,000 वो गलती नहीं होनी चाहिए. और यहाँ पे फर्नीचर में हम 300 यहाँ पे लिख देंगे. आगे लास्ट में है बुक. तो बुक का हम सबसे पहले देखेंगे ओपनिंग बैलेंस कितना है 10,000. तो यहाँ पे हमने पहले बुक्स लिखा 10,000, देखना है परचेज है तो परचेज ये रहा परचेज ऑफ बुक्स 5,000, तो यहाँ पे हमने 5,000 ऐड किया, उसका 10% करोगे 1,500, आउटर कॉलम 13,500, और जो 1,500 है वो बुक्स हमने यहाँ पे लिखा और कैलकुलेशन टोटल करके लिख दिया. इसके साथ 1-7 में अब जो बाकी रह गया वो लिखते. तो ये सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ ये रहा आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी बाकी रह गई. चलो तो वो फिफ्थ कर लेते हैं. तो फिफ्थ में आउटस्टैंडिंग सैलरी सैलरी ढूंढो. सैलरी है 4,200, सैलरी है 4,200, तो यहाँ पे हमने सैलरी लिखा 4,200. आउटस्टैंडिंग है वो प्लस होके आउटर कॉलम 4,800 आ जाएगा. और सैलरी आउटस्टैंडिंग यहाँ पे जो बोला हुआ है, तो यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी 600 लिख देंगे. कितना लिख देंगे बच्चा, 600 लिख देंगे. तो इसके साथ हमारा ये पॉइंट कम्प्लीट हो जाएगा. और अब जो है तो एडजस्टमेंट सारे 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे हो गए. अब जो बाकी रह गया इन्वेस्टमेंट 40,000 है. और यहाँ पे देख लो और कोई इन्वेस्टमेंट परचेज हो रहा है, तो यहाँ पे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,800 है. तो 40,000 + 2,800 तो टोटल 42,800. क्लियर. अब जो है वो है परमानेंट फंड. तो परमानेंट फंड जो है वो 88,000 हमने लिख दिया. तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया. अब ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए. ये हमारे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट. तो अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कभी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना नहीं रहे. रेंट ऑफ हॉल जो आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, रेंट ऑफ हॉल, उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो हमारी पस्ती जिसको बोलेंगे सेल ऑफ न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे 200 लिखा. उसके बाद बच्चा यहाँ पे डोनेशन रिसीव. डोनेशन ऑलवेज कैपिटल नेचर का होता है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो हम परमानेंट कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे डोनेशन रिसीव 5,000. तो ये भी हो गया. इसके बाद इंश्योरेंस एंड टैक्सेस 400 है, तो एक्सपेंस साइड पे यहाँ इंश्योरेंस एंड टैक्सेस लेंगे. सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर वो एक्सपेंस के लिए कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि पेमेंट साइड है तो सब कुछ एक्सपेंस ही होगा ये. उसके बाद बच्चा रिपेयरिंग एक्सपेंस जो 500 है, तो रिपेयरिंग एक्सपेंस 500, तो ये भी हो जाएगा. अब बचा ये क्लोजिंग बैलेंस. क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड बैंक का है, जो हमारा कहाँ आएगा, असेट साइड पे आएगा. तो बच्चा ये क्लोजिंग बैलेंस हमने दोनों लिख दिए. अब ध्यान से देखोगे तो सब कुछ हम पूरा ख़त्म हो गया. तो अब टोटल करना है. टोटल क्रेडिट साइड का हम कर लेते हैं. टोटल क्रेडिट साइड का कम है इस बार, यहाँ पे टोटल आएगा 11,900. डिफरेंस जो आएगा वो वर्ड क्या लिखेंगे, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम. और इसके साथ बच्चा हम सीधा वो जो आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटी में, कैपिटल फंड में या परमानेंट फंड में से वो हम माइनस कर देंगे, क्योंकि एक टाइप का ये लॉस ही है. हमारा एक्सपेंस ज़्यादा है, इनकम कम है, तो ये आ जाएगा माइनस करके 9,100. टोटल करेंगे दोनों साइड का तो टोटल टैली हो जाएगा. तो आपको ये पूरा सम क्लियर हो जाना चाहिए. ये थोड़ा स्पीड से तो है ही, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो है वो क्विक रिविजन है. आपको पूरे सम देखना है तो आपको पीछे, मतलब एग्जाम्पल हमने सारे जो है वो वैसे किए और टेक्स्ट बुक के सम प्रॉपर लिख के किए, तो प्रॉपर आप देख लो तो क्लियर हो जाएगा. मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के.